वाराणसी में भाजपा किसान मोर्चा सारनाथ मंडल द्वारा वार्ड नंबर 11 हुकुलगंज में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट कॉन्वेंट स्कूल में अन्नदाता चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 10 लाख से अधिक मतों से विजय बनाने का आह्वान किया। क्षेत्रीय पार्षद ब्रजेश चंद्र श्रीवास्तव की मौजूदगी एवं सारनाथ मंडल अध्यक्ष संतोष सेठ की अध्यक्षता में हुई अन्नदाता चौपाल, भाजपा महानगर मंत्री श्री ब्रजेश चौरसिया, किसान मोर्चा महानगर अध्यक्ष योगेश सिंह पिंकू, महानगर मंत्री विवेक पांडे, मंत्री रोहित जायसवाल, मंडल प्रभारी रविंद्र जायसवाल, हुकुलगंज के दोनों सेक्टर संयोजक धर्म कीर्ति शर्मा एवं राजकुमार सिन्हा, अजय अग्रहरी सहित अन्य क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। जैसे 10 लाख का ये मोदी जी का 10 लाख पार नहीं है जी, बनारस में 10 लाख वोट का पार करने के लिए, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी अगर दुनिया के अगर नंबर एक नेता है तो पूरे भारत में भी नंबर एक सांसद भी होने चाहिए। पूरे भारत में नंबर एक सांसद से नीचे बनारस इस बार स्वीकार नहीं करेगा और बनारस प्रधानमंत्री को चुनेगा। सांसद तो दुनिया या देश चुनेगा, हम तो प्रधानमंत्री चुनेंगे। इसलिए यहाँ का मतदाता, काशी की जनता प्रधानमंत्री जी को 10 लाख पार का मतदान करेगी, न कि 10 लाख पार का हो सी, क्योंकि 500 जो है सीटें ही पूरी है और इसलिए हम 400 पार का नारा देते हैं। यानी बनारस से 10 लाख पार हम कर लेंगे तो 400 पार में हमारा भी वो जो एक पुष्प हार मिलेगा बनेगा, उसमें बनारस का भी एक पुष्प उसमें जरूर रहेगा। अन्नदाता सम्मेलन जो आज हुआ है, इसके बारे में काशी वासियों को, नगर वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? आपने जो है जितने भाजपा के सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, उनको क्या कहना है? काशी वासियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान मोर्चा के माध्यम से जो भी हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता उनके दरवाजे पर जाते हैं तो वो उनका उत्साह वर्धन करें। और उसके बाद उनसे विशेष आग्रह हमारा ये है कि जहाँ कहीं भी किसान मिले उनके उत्साह को बढ़ाएं और उनका यथोचित सहयोग करते रहें। ये न कहें कि उनसे मोल भाव करके जितनी उनकी लागत न हो उससे कम देने का प्रयास करें, तो किसान अगर समृद्ध रहेगा तो भी हमको दूर समय तक हम अनाज, अन्न, सब्जी, तेल, मसाला सब कुछ समय पर मिलता रहेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।